की पूजा करेंगे। और जीते जी कहते हैं महाराज ढंग से पानी भी नहीं दे पाते। ये माताएं जो होती हैं ये अंधविश्वास में बड़ी जल्दी आती हैं। पहली बात माताओं, बहुत पहले एक रीत चली थी सड़के पूजवे वाली चली थी, फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी को दुधिया पहना है, फिर एक रीत चली सास अपने दामाद को पेड़ा खवाए, देखो, फिर एक रीत चली नानी अपने नाती को दूध पिवाए, देखो, हाँ एक रीत और चली सारी अपने जीजा को सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए। अबे एट ए टाइम, अभी इस टाइम एक रीत और चल रही है, कौन सी? सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए। अब सोचो हमें कैसे पता चलता है, हम भले ही बाहर हो मम्मी फोन करेंगे बिटिया बड़ी अच्छी रीत आई है, हमने फिर का खरीद लो चाचे दर्जन। भाई ऐसे अंधकार की दुनिया है, काऊ मैया के बेटा पैदा न हो बे तो वो बाहर बाबा आएंगे भिखारी, भिखारी जो मांगने आते ले हाथ देखो हाथ हो, बोले हाँ तो है, उन्हें कछु ना आत हो शुरू, अरे अम्मा बोले हाँ तुम पे दो लला है, बोले हाँ सही समझे, फिर शुरू अम्मा हाँ बोलो महाराज तुम पे सनी चल लो, अम्मा बोई लला है तो बार कैसे शुरू हुई है, बोले 5 किलो गेहूं 10 किलो चावल डोरा मिर्चे करिया नमक कड़ू तेल तुम्हारो सनीचे दूर 1100 रुपया दे दो, इतवा शुरू। कहो मैया के बेटा पैदा न हो बे तो थोड़ी सी राख दे के जाते और जवाब दे तो ले जब राख खवाए दियो 9 महीना के बाद बेटा पैदा है जावेगो और जब हम दोबारा आए तो हमें एक अंगूठी बनवाई दियो। अब परीक्षित एक बात बताओ, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं चोरी ना, और दिल के अंदर
और मर जाते तो नंबर फंसते कहीं नहीं। बोले महाराज बड़े अंधकार की दुनिया है बाबा, अगर गंगा नहावे से रोग कट जाए और पाप धुल जाए तो आदमी रोज पाप करके गंगा में डुबकी लगाए के घर पे आ जाए। इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए परीक्षित। इंसान जैसे कर्म करेगा फल भी वैसा ही मिलेगा। कलयुग में लोग ये कहते हैं कि क्या देख रहे हो, मरने के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। कौन सा यहाँ हम मरे जा रहे, जितना करना है चोरी करो, डकैती डालो, जो करना है करो। एक बात बताइए, इंसान जब चोरी करता है तो दुनिया नहीं देख सकती, परिवार नहीं देख सकता, और जिसके यहाँ चोरी कर रहे वो नहीं देख सकता, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। कर्म के अनुसार ही इंसान को फल मिलता है। बुजुर्गों, एक बाग में एक आम का पेड़ है और उस पेड़ पर आम फल लगे हैं, तो आंखों ने फल देखा, आंखों ने फल देखा। अब आंखें देख तो सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। आंखों ने देखा, गए पैर, अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। अब परीक्षित, मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, तो स्वाद लिया जिभ्या ने। अब जिभ्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, रखा मुख ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिभ्या ने, रखा पेट ने। और महाराज बाग के माली को पता चला तो डंडे पड़ गए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन भैया जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। देखा किसने था? तो कर्म जिसने किया था फल भी उसे ही मिला। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना बंधुओं, भगवान ने सबको समझायो, बंधुओं कहते हैं कि सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान चले। गोवर्धन पर परीक्षित, हेलो, आप यज्ञपति हैं, इनकी धर्मपत्नी है, दोनों लोग खड़े है, जाओ। कहाँ रहा तो ना ला दो भैया, जीते तुम्हारी दीदी हम ला दो। का नाम है भाई? पीली टी शर्ट, जुग जुग जियो लाला, फरो फूलो। सो तो जिद्दी हैं गांव में, खलीफे हुए हैं,
सही है। हम तो खलीफा गिरी ने चला पाए तो चले यो गिनते प्योर है, प्योर है हीरो पता चल गई। नहीं 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 नहीं, हम कहाँ कह रहे महाराज, बहुत अच्छे हो। रोहित, रोहित भैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद लला बना रहे, काऊ बात की कमी न हो। मैं एक छोटी सी बहू घर में आ जाए, कबू कबू खट्टू पट्टू हो जाए, तुम पिटलियो बहू को कबू न मारियो,